अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमत के मौके के बारे में, यानी कि वापटा की मुलाजमत के बारे में। तो वापटा में आपको असामी खाली देखने को मिल जाएंगी। तो आपको 13 पोस्टें वापटा में नई देखने को मिल जाती है। तो कौन सी पोस्टें हैं और उनके लिए क्या चाहिए, तो आज की वीडियो में ये बात करूंगा। इसमें आप मैट्रिक से लेके मिडिल तक और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिल जाए, ताकि जो भी नई नौकरी आए तो उसकी मैं आपको पोस्ट डाल दूँ। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो क्या पता उसकी लास्ट डेट निकल जाए और आप उस नौकरी पर अप्लाई ना कर सके। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इसको देख सकें और इस पर अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि इसमें वापडा की वैकेंसी के बारे में। तो वापडा में आज 13 वैकेंसियाँ खाली हुई। अब ये 13 वैकेंसियाँ जो है इसमें आप मिडिल वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ख्वानदा हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेट्रिक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर जो आती है वैकेंसी वो है मशीनिस्ट की, और इसका जो BPS है वो 5, और इसकी जो तादाद असामियाँ हैं वो है 4, और इसमें आपको मेट्रिक मामा ट्रेड कारगुजर तजर्बा, यानी इसमें आपको इसके हवाले से जो तजर्बा होता है वो होना चाहिए। इसके लिए आपकी हद उम्र जो है वो 18 से 30 साल होगी। उसमें आपको मेरिट जो है वो पंजाब का 2 देखने को मिल जाएगा, और ECQ 1 और खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका 1 देखने को मिल जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आ चलता है वल्केनाइजर। दूसरे नंबर पे आ जाता है वल्केनाइजर, और इसकी जो BPS है वो 5, और इसमें भी आपको मेट्रिक और साथ में 5 साल का तजर्बा चाहिए। उसकी हद उम्र जो है वो 18 से 30 साल जिस तरह वही थी। और इसमें भी जो ओपन मेरिट है उसकी 1 जो है पंजाब का है और दूसरा ECQ का है, और इसमें तादाद असामी आपको 2 देखने को मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पे पेंटर आ जाता है, उसका भी BPS 5 है, और ये भी मैट्रिक मैट्रिक पर, इसके लिए भी आपको मैट्रिक चाहिए। इसके असामी जो है वो 1 है, और इसके लिए उम्र भी आपको 18 से 30 चाहिए, और ये भी पंजाब ओपन मेरिट पर है। चौथे नंबर पर आ जाता है प्लम्बर, उसका BPS जो है वह 5 है, और दादी असामियाँ इसकी भी 1 ही है, और इसमें आपको मैट्रिक चाहिए और तजर्बा भी आपको चाहिए। तो 18 से 30 साल इसकी भी उम्र है, उसका जो मेरिट है वो पंजाब ओपन है, उसका भी 1 ही मेरिट है, तो 1 ही है, तो 1 उसका पंजाब का मेरिट है। अब उसके बाद जो है पाँचवें नंबर पे आ जाती है मोजन माखादम, यानी कि जो मोजन होता है उसके लिए जो है उसके जो दिए जा रहे हैं वह 4 और हाफिज कुरान के लिए BPS 5, यानी इसमें भी आपको 5 का ही जो है BPS देखने को मिल जाएगा। और उसके लिए ख्वानदा होने के साथ मजहबी सरबराह का हामिल हो, यानी कि आपके पास जो मजहबी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 साल इसके लिए भी उम्र है, और इसका जो है वो ECQ का 1 और मेरिट दिया गया है। और उसके बाद छठे नंबर पे आ जाते हैं PPC ऑपरेटर, उसका जो BPS है वो है 4, और इसमें अभी असामी जो है वो 1 है, इसके लिए भी आपको मेट्रिक चाहिए, साथ में तजर्बा चाहिए। तो 18 से 30 साल इसके लिए भी आपकी उम्र है, पंजाब में जो है उसका 1 जो है मेरिट है। फिर आ जाता है सातवें नंबर पे जो उसका हेल्पर है, उसका जो BPS है वो 3, और उसका ही तादाद असामियाँ 5 हैं, और मैट्रिक इसमें कम से कम सेकंड डिवीजन चाहिए, उसमें वो कोई तजर्बा नहीं चाहिए। इसके लिए जो है 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसमें जो मेरिट है वो कुछ ऐसा है कि एक जो है सीट वो मजदूर के लिए रखी है, एक पंजाब के लिए रखी गई है, एक पंजाब अकलीती के लिए रखी है, और एक पंजाब ओपन के लिए रखी गई है, सिंध के लिए 1 रखी गई है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 रखी गई है। अब आठवें नंबर पर आ जाता है मरीन हेल्पर बोटमैन, तो उसके लिए जो है BPS वो है 3, और उसकी जो असामी है वो 4 हैं, और मेट्रिक इसमें आपको चाहिए, और उसमें आपको तजर्बा भी साथ में चाहिए। तो इसके जो हद उम्र है वो 18 से 30 साल है, और उसमें आपको मेरिट कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि ACQ का जो है वो 1 है, पंजाब का 2 है, और सिंध का भी 1 ही है। अब बात कर लेते हैं गैसर की, तो इसमें आपको जो स्केल देखने को मिल जाएगा वो है 3, और इसमें जो है तादाद असामियाँ 1 है, और मेट्रिक और मार्ट्रेड का तजर्बा आपको होना चाहिए, यानी मेट्रिक के साथ साथ आपको तजर्बा भी होना चाहिए। जो ये पोस्ट है इस पोस्ट का नाम उनके सर है, तो इसमें आपको 18 से 30 साल इसकी उम्र, आपकी हद उम्र जो है कम से कम 18 से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए, और इसमें ACQ आपका एक वो उनका मेरिट दिया गया है। अब दसवें नंबर पर मान लिया जाता है, और इसका जो BPS है वो 1 है, और इसमें आपको दादे असामियाँ जो है वो 10 देखने को मिल जाती हैं। इसके लिए आपको मिडिल चाहिए, और उम्र जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें जो है मेरिट है वो है ECQ 4 का, माजूर 1 हो सकता है, कम ओपन जो है वो 5 है, और मुकामी जिला रायपुर सुहाबी है, ठीक हो गया। उसके बाद नायब सब इसमें मतलब मुकामी भी हो सकता है, ज़िला हरिपुर या सुबाई भी हो सकता है ओपन में, ठीक है जी। उसके बाद 11वें नंबर पर आया था नायब कासिद का, उसका जो है BPS वो 1,
इसमें भी आपको 10 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। साथ में जो आपकी तालीम है वो मिडल होनी चाहिए, और इसमें आपको उम्र जो है 18 से 30 साल देखने को मिल जाएगी, यानी कम से कम आपको 18 साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल हो। और ओपन इसमें जो है वो 6 वैकेंसी ओपन के लिए हैं, एसी क्यू के लिए 3 हैं, मजदूर जो है वो 1 है, मकामी भी हो सकता है, ज़िला हरिपुर हो या सुआबी, दोनों में से किसी में हो सकता है। स्टोर के लिए वार्ड नंबर में जाता है, स्टोर के लिए वो होता है जी, इसकी वैकेंसी जो है वो 1 है, और उसका जो स्केल वो भी 1 है, इसके लिए मिडल और 18 से 30 साल, और मकामी होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हरिपुर या स्वाबी का होना चाहिए। अब 3वें नंबर पे आ जाते हैं सैनिटरी वर्क, उसकी जो खामियाँ हैं वो 1 है, और तादाद उसकी खामियाँ जो 3 है, और बीपीएस स्केल जिसका है वो 1 है, और इसके लिए आपको खानदा होना चाहिए, यानी कि पढ़ना लिखना जानता हो। उम्र जो 18 से 30 साल है, इसका जो मेरिट है वो ECQ 3 डिस्ट्रिक्ट हरिपुर या स्वाबी का हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद होगी। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कर दें, और इसको शेयर करना मत भूलिए, शेयर की वजह से किसी और की नौकरी लग जाए। तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी नई असामियाँ खाली हो तो मैं पोस्ट डालूँगा आपको पहले पता चल जाए। ये ना हो कुछ लेट आप सब्सक्राइब ना करें तो आपके पास लेट नोटिफिकेशन गया हो और आपकी जो वैकेंसी का टाइम निकल जाए और फिर आप मुझे कहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।